हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में। दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक लेंगे वो होगा फसलों में, फलों में एवं सब्जियों में प्रमुख उपस्थित रसायनों के बारे में। फलों में, सब्जियों में एवं फसलों में उपस्थित रसायन। कौन से फल एवं सब्जी में कौन सा रसायन क्या काम करता है? जैसे कि मिर्ची में तीखापन किस रसायन के कारण होता है? मिर्ची का लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? मूली में तीखापन किस रसायन के कारण होता है? आंवले में कसेलापन कौन से रसायन के कारण होता है? तो बात करते हैं अपन फर्स्टली आंवले की। तो दोस्तों, आंवले में कसेलापन, दोस्तों आंवले में जो कसेलापन होता है वो टेनिन नामक रसायन के कारण होता है। किसके कारण होता है? टेनिन के कारण। आंवले में कसेलापन टेनिन नामक रसायन के कारण पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेल पत्तर की। तो बात करते हैं बेल पत्तर में कड़वाहट, बेल पत्तर में कड़वाहट। दोस्तों बेल पत्तर का जो फल होता है उसमें कड़वाहट कौन से रसायन के कारण होती है? मार्मेलोसिन के कारण है। कौन से रसायन के कारण है? मार्मेलोसिन नामक रसायन के कारण बेल पत्तर के जो फल में कड़वाहट होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग। पपीते के जो फल हैं उसमें पीला रंग, पपीते का फल का पीला रंग किसके कारण होता है? दोस्तों पपीते का पीला रंग होता है कैरिका जैंथिन पिगमेंट के कारण है। कैरिका जैंथिन पिगमेंट के कारण है। पिगमेंट के कारण, कैरिका जैंथिन पिगमेंट नामक रसायन के कारण है पपीते का जो फल होता है उसका पीला रंग होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मूली में तीखापन है, मूली में तीखापन है। तो दोस्तों मूली में तीखापन किस रसायन के कारण होता है? आइसोसाइनेट के कारण है। आइसोसाइनेट नामक रसायन के कारण मूली में तीखापन होता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे मिर्ची में तीखापन है, मिर्च में तीखापन। दोस्तों मिर्च में जो तीखापन होता है वो होता है कैप्सेसिन नामक रसायन के कारण है। कैप्सेसिन नामक रसायन के कारण है। ध्यान रखना मिर्ची में तीखापन कैप्सेसिन नामक रसायन के कारण होता है तथा मिर्ची का लाल रंग, मिर्ची का लाल रंग कैप्सेथिन नामक रसायन के कारण होता है। किसके कारण होता है? कैप्सेथिन नामक रसायन के कारण मिर्ची में लाल रंग होता है तथा मिर्ची में तीखापन कैप्सेसिन नामक रसायन के कारण होता है। अगली बात करेंगे अपन खीरे की। अगली बात करते हैं दोस्तों अपन खीरे की। खीरे में कड़वाहट कौन से रसायन के कारण होती है? खीरे में कड़वाहट, दोस्तों खीरे में कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है? तो दोस्तों खीरे में कड़वाहट होती है कुकरबिटेसिन के कारण है। कुकरबिटेसिन के कारण है, कुकरबिटेसिन नामक रसायन के कारण खीरे में कड़वाहट पाई जाती है। कौन से रसायन के कारण है? कुकरबिटेसिन नामक रसायन के कारण है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे सलजम में चरपराहट, सलजम में चरपराहट। दोस्तों सलजम जो है, सलजम में चरपराहट कौन से रसायन के कारण होती है? सलजम में चरपराहट होती है कैल्शियम ऑक्सेलेट के कारण है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण है, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट नामक रसायन के कारण सलजम में चरपराहट पाई जाती है। अगली बात करते हैं अपन प्याज में गंध,
प्याज में गंध। दोस्तों प्याज में जो गंध आती है वो किस रसायन के कारण आती है? प्याज में गंध आती है एलाइल प्रोपाइल डाइल सल्फाइट, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइट नामक रसायन के कारण। एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइट नामक रसायन के कारण प्याज में क्या उत्पन्न होती है? गंध उत्पन्न होती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे लहसुन में गंध। लहसुन में गंध, दोस्तों लहसुन में जो गंध है, जैसा कि प्याज में गंध किसके लिए किसके कारण होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में गंध उत्पन्न होती है। उसी प्रकार लहसुन में जो गंध है वो होती है एलाइसिन नामक के कारण है, एलाइसिन नामक रसायन के कारण है, एलाइसिन नामक रसायन के कारण लहसुन में गंध उत्पन्न होती है। और इसको अपन एमिनो अम्ल भी बोलते हैं, एमिनो अम्ल के कारण भी जो है लहसुन में गंध उत्पन्न होती है। एलाइसिन या एमिनो अम्ल के कारण जो है लहसुन में गंध उत्पन्न होती है। अगली अपन बात करेंगे करेले में कड़वाहट। करेले में कड़वाहट, दोस्तों करेले में जो कड़वाहट होती है वो होती है मेमोर्डिकोसाइट के कारण है, मेमोर्डी कोसाइट नामक रसायन के कारण। किसके कारण होती है? मेमोर्डी कोसाइट नामक रसायन के कारण करेले में कड़वाहट होती है। अगली अपन बात करेंगे आलू का हरा रंग। आलू का हरा रंग किस रसायन के कारण होता है? आलू का हरा रंग, दोस्तों आलू का हरा रंग किस रसायन के कारण होता है? आलू में हरा रंग सेलिनीन नामक रसायन के कारण होता है। किसके कारण होता है? सेलिनीन नामक रसायन के कारण। अगली अपन बात करेंगे टमाटर का लाल रंग। टमाटर का लाल रंग, दोस्तों टमाटर में जो है लाल रंग होता है लाइकोपीन के कारण है। किसके कारण है? लाइकोपीन नामक रसायन के कारण टमाटर का लाल रंग होता है। अगली अपन बात करते हैं प्याज में पीला रंग। प्याज में पीला रंग, दोस्तों प्याज का जो पीला रंग है वो होता है क्वेस्टिसिन के कारण है, क्वेस्टी सिटीन नामक रसायन के कारण प्याज में पीला रंग होता है। अगली बात आती है प्याज का लाल रंग। प्याज का लाल रंग, प्याज में पीला रंग तो किसके कारण होता है? क्वेस्टिसिन के कारण है, तथा प्याज का लाल रंग होता है एंथोसाइनिन के कारण है, एंथोसाइनिन। प्याज का लाल रंग किस रसायन के कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण है। अब बात करते हैं हल्दी की। हल्दी का पीला रंग किस रसायन के कारण होता है? हल्दी का पीला रंग, दोस्तों हल्दी में जो पीला रंग होता है वो होता है कुर्कुमीन के कारण है, कुर्कुमीन के कारण है, कुर्कुमीन नामक रसायन के कारण हल्दी में पीला रंग होता है। अगली बात करेंगे अपन गाजर का लाल रंग। गाजर का लाल रंग, दोस्तों गाजर का लाल रंग जो है वो होता है एंथेसाइनिन के कारण है, एंथेसाइनिन नामक रसायन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। कौन से रसायन के कारण है? एंथेसाइनिन रसायन के कारण है। गाजर का नारंगी रंग, कई बार पूछ लिया जाता है गाजर का नारंगी रंग किस रसायन के कारण होता है? तो
तो दोस्तों गाजर का नारंगी रंग होता है केरोटीन के कारण है। किसके कारण है? केरोटीन के कारण है। केरोटीन के कारण गाजर का नारंगी रंग होता है तथा एंथेसाइनिन के कारण गाजर का लाल रंग होता है। ध्यान रखना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अरबी में कसेलापन की। अरबी में कसेलापन, दोस्तों अरबी में जो कसेलापन है वह पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण है। कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट नामक रसायन के कारण अरबी में कसेलापन पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं तिलहनों में पीला रंग। तिलहनों में पीला रंग, दोस्तों तिलहनों में जो पीला रंग होता है वो होता है कैरोटीनाइज्ड, कैरोटीनाइज्ड नामक रसायन के कारण है। तिलहनों में जो पीला रंग होता है वो होता है कैरोटीनाइज्ड नामक रसायन के कारण। अगली बात करेंगे अपन सूरजमुखी के तेल में कसेलापन। सूरजमुखी के तेल में कसेलापन, लिख लीजिए सूरजमुखी के तेल में कसेलापन जो है वो पाया जाता है ऑक्सीडेशन के कारण है। किसके कारण है? ऑक्सीडेशन के कारण, ऑक्सीडेशन नामक रसायन के कारण सूरजमुखी के तेल में कसेलापन पाया जाता है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे चने की पत्ती में खटास। चने की पत्तियों में खटास पाई जाती है वो क्यों, किस रसायन के कारण पाई जाती है चने की पत्ती में खटास? दोस्तों चने की पत्ती में खटास टेनिन के कारण ही पाई जाती है। किसके कारण? टेनिन के कारण। या अपन बात करें इसके अलावा तो होता है ऑक्जोलिक एसिड, ऑक्जोलिक अम्ल। चने की पत्ती में खटास टेनिन नामक रसायन के कारण पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात करेंगे संतरे में कड़वाहट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं संतरे में कड़वाहट किस रसायन के कारण पाई जाती है। संतरे में कड़वाहट, लिख लीजिए संतरे में कड़वाहट जो है दोस्तों वो पाई जाती है लिमोनिन के कारण। किसके कारण? लिमोनिन नामक रसायन के कारण, लिमोनिन नामक रसायन के कारण संतरे में कड़वाहट पाई जाती है। अगली अपन बात करेंगे सरसों के तेल में पनसेंजी। सरसों के तेल में पनसेंजी, दोस्तों सरसों के तेल में जो पनसेंजी पाई जाती है वो पाई जाती है ग्लूकोसिलेट्स, ग्लूकोसाइट सिनेग्रीन के कारण है। ग्लूकोसिलेट, ग्लूकोसाइट सिनेग्रीन के कारण। आज का वीडियो दोस्तों इसी के साथ खत्म करते हैं। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।